यूवी इंटरटेनमेंट प्रेजेंट ग्रैंड शो सुपरसोनिक अवार्ड 2023 15 जनवरी को सिंगिंग डांसिंग मॉडलिंग शो रेडिसन ब्लू द्वारका में किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रदेशों से बच्चों ने आकर भाग लिया मॉडलिंग डांसिंग सिंगिंग में। मुंबई से आई कई बॉलीवुड सितारों ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। देखें खास रिपोर्ट आपके सामने। और मैं हूं हंबीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। अभी इस समय द्वारका में मौजूद हैं रेडिसन ब्लू होटल में और यहां पर एक इवेंट हो रहा है जिसमें हमें बुलाया गया है और हमारे साथ बॉलीवुड स्टार हैं चंद्र दुआ जी और आदित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस प्रोग्राम के बारे में और इन्होंने क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम में। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप दर्शकों को अपना नाम अपनी जुबानी बताएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। सबसे पहले थैंक यू करता हूँ मीडिया वालों को कि बेचारे ये लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक आते हैं और कैसे कैसे टाइम लगा के आज जो भी हम लोग रहते हैं जो भी पब्लिसिटी रहती है वो इनकी वजह से रहती है। तो इनको मैं सबसे पहले थैंक यू करता हूँ और मैं कहना चाहूँगा इस शो के लिए कि पहले मैं बताऊँ, मैं आई एम आदित्य नोहवाल, एक्टर, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, डूइंग सो मेनी मूवीज़, सुल्तान काबिल, मुन्ना माइकल मशीन, 120 गोल्ड, सब ऐसी बहुत सी मूवीज़ मैंने काम किया है और मेरा खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस है आदित्य मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। एंड मैं सबसे बड़ा थैंक्स करता हूँ चंदन दुआ भैया का कि इन्होंने अपने इस शो में मुझे इनवाइट किया। मेरी शूट चल रही थी दिल्ली में और परसों मेरा शूट कश्मीर में है, कल कश्मीर निकल जाऊँ, तो इन्होंने बोला मेरे को कि यहाँ पे आने के लिए, तो मैं पर्सनली इन्होंने मुझे इनवाइट किया इसके लिए, तो मैं यहाँ पे आया और टाइम निकाल के मैं आया। मैंने देखा शो बहुत अच्छा है, नए कमर्स, बच्चे, इवन छोटे छोटे बच्चियाँ, सारे लोग, मतलब मिस सब लोग इसमें पार्ट्स ले रहे हैं और बहुत अच्छा शो है। आने हर फीमेल को शो में पार्ट लेना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, काम करना चाहिए, फैशन शो करना चाहिए, घर में किसी को बैठना चाहिए। आजकल सब लोग एजुकेशन करते हैं, लड़कियां भी, लड़के भी एजुकेशन करते हैं। मैं चाहता हूँ उस एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठें, आप बाहर निकलें, किसी में भी पार्ट करें। फैशन शो वगैरह जैसे चल रहा है आज, हमारी जो जितनी पीढ़ी है न्यू वो सब लोग इस फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और कोई ना कोई नाम कमा रहा है, अच्छा नाम कमा रहा है। आप बाहर जाके देखिए, इंडिया वर्ल्ड वाइड में जीत रहे हैं, सब लोग हर जगह जीत रहे हैं। तो ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है फैशन शो, बिकॉज मैं एक टाइम पे दिल्ली का टॉप मॉडल रह चुका हूँ, तो मेरा रैम वॉक बहुत मेरी कमजोरी है, बिकॉज आई लव रैम वॉक एंड मुझे बहुत पसंद है रैम वॉक, दैट्स व्हाई। सो मुझे बहुत खुशी मिली कि इस शो में मुझे चंद्र भैया ने इनवाइट किया एंड थैंक यू सो मच। और युवराज जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने जो कहना था शब्दों में उसे अमृत बना के भाई ने कह दिया। कुछ ओस की बूंदें हैं अलग अलग जगह पड़ती हैं, गुलाब पे पड़ती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन वही बूंद अगर सीप में जाती है तो मोती कहलाती है। तो मेरे साथ आज मोतियों का हार है मेरे भाई के रूप में आदित्य भाई आलम है। और इन सब से बढ़कर जो उस माला को पिरोता है मीडिया, नई सुबह हम वीर, धन्यवाद चंद्र दुआ साहब। और उस साथ लाने का श्रेय युवराज को भी है, अभी हमारे बीच नहीं है, अंदर हैं और हम बार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आदित्य मीडिया एंटरटेनमेंट को और हम वीर को, नई सुबह को और नन्ने मुन्ने को, आलम को। इन ऐसे बच्चों की वजह से ही क्या नाम है शो बनते हैं, चीज़ें बनती नहीं। और इन सब के साथ मेरा ये नन्ना मुन्ना मुझसे आंखें चुराता है, कहने को तो ये चश्मा लगाता है लेकिन मैं भी कभी कभी इसका चश्मा इसे ही वापस लगा देता हूँ। और साथ में एक सीन शुभम गुलाटी को भी बुला लेता हूँ, आ जाइए एक सीन में, आ जाइए। ये हमारी मिस कानपुर रह चुकी हैं जी, और कानपुर जी जी शुभम अपने बारे में बताइए आप। मैं कानपुर से हूँ, सॉरी, मैं शुभा गुलाटी फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। मैं आदित्य मीडिया एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हूँ और आज चंदा जी ने मुझे इनवाइट किया अपने शो में और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुपर शो था, बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही फैंटास्टिक थी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा भी कुछ कहना चाहेगा? मैं मैम के लिए शायरी सुनाना चाहता हूँ। दिल तो हर किसी के पास होता है, दिल तो हर किसी के पास होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो दिल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल कुछ खास होता है हमारे नन्हे मुन्ने मास्टर के लिए। और अब आपकी लाइन पूरी कर दी। हाँ, अब चले अंदर आदेश या बोलना चाहेंगे, या बोलेंगे कुछ? आप बोलिए, आप चलिए। अरे नेले पे देला, ये था हमारा किड्स। और अब लेते हैं आपसे। रेनी शर्मा, मॉडल, इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगर, और आई हैव डन मोर देन 10 शॉर्ट फिल्म्स एंड अमेजोन एड्स। और आज यहाँ युवराज जी के साथ मैं पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मुझे उनके सारे इवेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा ऐसे प्रोग्राम करती रहिए, ऑल द बेस्ट। रेनी जी खैरवाल है और हिमांशी से जानेंगे। हिमांशी ने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है द यूवी एंटरटेनमेंट में। हिमांशी पहली बार कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं आप? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा जी, फर्स्ट इवेंट है एंड फर्स्ट बार ही मैं विनर। अच्छा, इससे पहले आपने, आपके मन में कैसा है कि आप मॉडलिंग करेंगे, एक्टिंग करेंगे, डांस करेंगे, कैसे मन में? हाँ, बचपन से ही मुझे काफ़ी मतलब मूवीज देख देख के मुझे शौक था। हाँ जी, इंस्पायर हुई मैं मूवी देख देख कर ही, और मुझे हॉबी मतलब एक हॉबी बन गई कि मॉडलिंग और एक्टिंग करनी है मुझे। अच्छा, मम्मी पापा आपका सपोर्ट करते हैं? जी, मम्मा पापा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पापा जी मेरे नॉर्मल जैसे अपना बिजनेस करते हैं, गाय वगैरह का। अच्छा, तो आप अभी तक क्या बनना है, आपको क्या लगता है कि आप आगे चल के इस फील्ड में सफल हो पाएंगी? जैसे कि आज मेरी प्रशंसा हुई है, उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी। अच्छा जी, तो हम जानना चाहेंगे जो हिमांशी, आपके परिवार में आपके कितने बहन भाई हैं आप, और जिस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके भैया भी सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे 2 भाई 2 बहन हैं, और मम्मी पापा हैं, और निफ्यूज हैं मेरे छोटे छोटे। तो भैया आपसे बड़े हैं? हाँ जी, भैया मेरे से बड़े हैं। अच्छा, अभी कौन सी क्लास पास किया आपने? मैंने एमए कर रही हूँ मैं। अच्छा, जी जी, एनआरसी कॉलेज से। जी जी। अच्छा हिमांशी, जो लोग आपको देख रहे हैं खुर्जावासी, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, आज आपने मॉडलिंग में ये जीता है, मोमेंटो जीता है, तो क्या कहना चाहेंगे जो आपको लोग देख रहे हैं? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। तो देखा आपने जिस तरीके से, हमेशा ऐसा नहीं होता, एक बार करने से ही इंसान आगे बढ़ जाता है, कई बार ऐसा होता है बार बार ठोकर लग के ही कुछ अच्छा बन पाता है। तो हिमांशी का साफ कहना है कि वो आगे बढ़ना चाहती है इस फील्ड में, और मॉडलिंग की आज उनकी यहाँ पे शुरुआत हुई है, और जो उनको लोग देख रहे हैं वो कोशिश करें आगे बढ़ने की, और प्रयास करने से वो सब लोग आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में। तो ये हिमांशी, और आप कौन सी पोजिशन पर है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ यश सक्सेना, बेसिकली आई बिलोंग्स टू गुड़गांव, एंड आई हैव अचीव्ड फर्स्ट रैंक इन दिस प्रोग्राम। इट वाज वेरी वेरी फैंटास्टिक प्रोग्राम एज वी एंजॉयड वेरी वेल, एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू युवराज सर दैट हु गॉड प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड मैनी मोर टू कम टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम है? माई नेम इज़ शिप्रा शर्मा। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम नोएडा। तो आप क्या बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम में आने के बाद, आपको कैसा लगा, और इससे पहले आपने कहाँ का भाग लिया है, और अभी तक आपका क्या है मकसद, क्या आप बनना चाहते हैं आप? मुझे यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम मुझे मेरी गीता मैम ने अपॉर्चुनिटी दी, आई वुड लव टू थैंक यू हर एंड युवराज सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके, एंड मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और यहाँ पे अभी मतलब मेरी हॉबीज़ हैं डांसिंग, सिंगिंग एंड द मॉडलिंग, सो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अभी हम हमारे साथ हैं आजम गारमेंट से, मोहम्मद आलम जी, और उनसे जान, तो क्या कहना चाहेंगे सर, आप अपने बारे में बताइए। सर, मैं अपने बारे में ये कहूँगा कि मैं इट इज़ डिजाइनर मोहम्मद आलम, आजम गारमेंट के नाम से है, तो मैं फैशन शो में फैशन डिजाइनर हूँ जी। और युवराज जी के क्या कहना है, युवराज जी का शो है, बहुत बढ़िया शो लगा यहाँ आने के बाद, उन्होंने इन्वाइट किया, और आप लोग को भी धन्यवाद है सर, जो आप जैसे हम जैसे आदमियों के साथ में, आपसे जैसे बंदों के साथ खड़े होने का मौका मिल रहा है, ये हमारी खुशनसीबी है। तो आलम साहब, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, ये सब आप ही के डिजाइनर हैं, आप ही के कपड़े हैं? हाँ, इसमें हमारे कपड़े होते हैं, और भी डिजाइनर होते हैं, गर्ल्स के, बॉयज़ के, किड्स के, अलग अलग होते हैं, उसमें से मेरा एक है। बहुत बढ़िया। तो आलम, मैं जो ड्रेसेस देख रहे हैं वो आलम साहब के। माय नेम इज मीर चौधरी। अच्छा, मीर चौधरी कहाँ से आए हैं आप? आई एम लिविंग दिल्ली। दिल्ली, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आई स्टडी इन क्लास सेकंड। अच्छा, ये बताइए, अभी आप रेडिशन ब्लू द्वारका में बैठे हुए हैं, अभी आपने यहाँ पे क्या किया था? मैंने अभी यहाँ पे मॉडलिंग करी थी। अच्छा, मॉडलिंग की थी। तो ये मॉडलिंग जो आपने की इतनी अच्छी थी, तो आपको किसने सिखाया था, तैयार किसने किया था? जब करोना हुआ था जी, जैसे कि एक इंस्टाग्राम ऐप है ना, तो उस पर मैंने रील लिखी, फिर अच्छा। मैंने सोचा कि मैं भी करूँगा, फिर मैं बड़े होकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगा, स्टार बन के। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा जिम का काम करते हैं। जिम ट्रेनर हैं। और मम्मी?
मम्मी अच्छा अच्छा कुक करती है। अच्छा बहुत बढ़िया जी, बताइए बड़े होकर क्या बनना चाहते हो आप? मेरी विश है कि मैं बड़े होकर एक बड़ा सा स्टार बनूं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। अच्छा तो देश के लिए कौन कौन सी फिल्में करना चाहोगे, या हिंदी, भोजपुरी, तमिल, हरियाणवी, कौन सी लैंग्वेज में? मैं हिंदी लैंग्वेज में करना चाहूँगा क्योंकि दिल्ली या इंडिया के जो भी सारे लोग हैं ज़्यादातर वो हिंदी बोलते हैं। और मैं एक आर्मी की मूवी बनाऊँगा ताकि लोग को समझ आए कि हमें अपने देश के झंडे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने आर्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो दूसरे देशों से जो अटैक आता है इंडिया पे उससे हमें बचाते हैं। अच्छा मीर चौधरी, इतना अच्छा सोचा है आपने अभी छोटी सी उम्र में, आपको ये सारी प्यारी प्यारी बातें सिखाता कौन है? मेरे पापा और मेरी मम्मी। अच्छा मम्मी पापा आए हुए हैं यहाँ पे अभी? यस। अच्छा तो जो लोग आपको देख रहे हैं वीडियो को, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से आपका सोच है, विचार है आपके? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि वो अपने मम्मी पापा का नाम जरूर रोशन करें और बड़ी होकर एक अच्छे से एक्टर बने। मीडिया को लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए। तो ये हम जी, और मेरी भी इंस्टाग्राम आईडी है mighty_meer, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा गाइस और उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखा इस प्यारे से नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे का जो मकसद है, अभी से अगर ये फिल्म लाइन में आना चाहता है, मॉडलिंग करना चाहता है, तो इसकी सोच देखिए, छोटी सी उम्र में इसने कितनी अच्छी बात की, वो देश के लिए एक फिल्म बनाएगा, आर्मी के ऊपर फिल्म बनाएगा, हमारे झंडे की रेस्पेक्ट कैसे करें। इस छोटे से प्यारे से बच्चे के अंदर इतनी सारी समझ है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ उसके माता पिता का जो इस बच्चे के अंदर इतने अच्छे से संस्कार डाल रहे हैं। और इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी। तो इस बच्चे ने जो इतनी मेहनत की थी, अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और हाँ बताओ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बिकॉज क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रूल्स फॉलो नहीं करते, जैसे कि रेड लाइट होती है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 की स्पीड पे अपनी गाड़ी को चलाते हुए रूल्स फॉलो नहीं करते। मैं उन्हें भी बता देना चाहूँगा वो रूल्स फॉलो करें और बड़े होकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और रूल्स ना तोड़ें और हमारे झंडे की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। तो मीर चौधरी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो देखा मीर चौधरी का जो सोच है, जो सपना है इस छोटी सी उम्र में, ये सभी अगर हिंदुस्तान के बड़ों के अंदर आ जाए ना, तो हमारे देश में हमेशा खुशहाली है, देश तरक्की करे। मैं हमवीर सिंह, मीडिया नई सुबह, मेरे सहयोगी प्रकाश मिश्रा के साथ। इन्हें मुझे यूट्यूब पे इतनी अच्छी वीडियो बनाई, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं सर को थैंक यू बोलता हूँ। और गाइज आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, मुझे पता चल चुका है, इसलिए मैं आपको भी थैंक यू बोलता हूँ।
Thank you.